गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पास आपको क्लास 10th की मैथ पढ़ाई जा रही थी, जिसमें हम लोग चैप्टर फर्स्ट पढ़ चुके हैं। आज चैप्टर सेकंड के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। चैप्टर सेकंड, तो जो हमारा क्लास 10th का चैप्टर सेकंड है, वो सेकंड है हमारा क्या है, पॉलीनोमियल्स। क्या है पॉलीनोमियल्स? है चैप्टर सेकंड। पॉलीनोमियल यानी होता है बहुपद। आज हिंदी में हम क्या कहते हैं पॉलीनोमियल को? बहुपद कहते हैं। तो आज हम पॉलीनोमियल को सीखेंगे और इसी में फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझने की जरूरत ये है, जो चैप्टर हमारा है पॉलीनोमियल, वास्तव में पॉलीनोमियल होता क्या है, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला देखिए, ध्यान दीजिए, चैप्टर सेकंड आज शुरू हो चुका है, पॉलीनोमियल यानी बहुपद। तो देखिए, पॉलीनोमियल होता क्या है? ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड पॉलीनोमियल। ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड पॉलीनोमियल। फ्रैक्शन कोई भी हो, उसे हम पॉलीनोमियल कह सकते हैं। इफ द पावर ऑफ एनी टर्म, क्या उसका जो पावर होता है, एनी टर्म इज नॉट निगेटिव आर नॉट अ फ्रैक्शन वैल्यू। यानी किसी भी फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वह निगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, उसे हम पॉलीनोमियल कहते हैं। देखिए एक बार और समझिएगा, ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड पॉलीनोमियल। ए फ्रैक्शन को हम पॉलीनोमियल कह सकते हैं इफ यानी यट द पावर ऑफ एनी टर्म, यानी उसके किसी भी टर्म का जो पावर होता है इज नॉट निगेटिव, यानी कभी भी निगेटिव नहीं होगा, आर नॉट अ फ्रैक्शन वैल्यू, और फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होगा। ठीक, अब देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल देखिए तो समझ गए। यानी किसी भी फ्रैक्शन टर्म जो है हमारा फ्रैक्शन है वो पॉलीनोमियल होगा, यदि उसकी कभी पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए और कभी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होनी चाहिए। हे, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू प्लस ए एक्स पावर फोर ए फाइव ए फाइव एक्स के पावर फाइव, ये हमारा टर्म चलता है। इसी तरह हमारे टर्म बढ़ते हुए चले जाते हैं, यानी पहला टर्म ए जीरो है, जीरो होता है, फिर ए वन एक्स होता है, एक्स वन होगा, या ए टू एक्स स्क्वायर होगा, ए थ्री एक्स क्यूब होगा, ए फोर एक्स का पावर फोर होगा, और ए फाइव एक्स पावर फाइव होगा। इसी तरह हमारा टर्म बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पास जो ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर आर कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, यानी हमारी यहाँ पास जो है टर्म है ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ए फोर क्या है, हमारी कॉन्स्टेंट वैल्यू है। देखिए कुछ एग्जाम्पल सीखते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा यहाँ एग्जाम्पल्स हमने लिख दिया है, क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ नीचे देखिए, ध्यान दीजिए, ये टर्म हमारा जो दिख रहा है एफ एक्स बराबर, एफ एक्स क्या है, एक्स पावर सेवन माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस फिफ्टीन, ये हमारा फ्रैक्शन है। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास इसकी पावर जो है सेवन है, इसकी पावर थ्री है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब वन है, और ये फिफ्टीन है, यह है इट इज अ पॉलीनोमियल। यानी हम कह सकते हैं, देखिए ये जो हमारा फ्रैक्शन दिख रहा है एक्स पावर सेवन माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस फिफ्टीन जो लिखा हुआ है, यहाँ पास एक्स की पावर सेवन है, यहाँ पास एक्स की पावर थ्री है, और यहाँ पास एक्स पावर वन है, इट इज अ पॉलीनोमियल। यानी हम कह सकते हैं इसकी पावर ना तो निगेटिव है और ना ही फ्रैक्शन वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं इट इज अ पॉलीनोमियल। ठीक, देखिए नीचे ध्यान दीजिए, देखिए नीचे यहाँ पास एफ एक्स इज इक्वल टू, दूसरा हमारा टर्म जो चल रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इज इक्वल टू एक्स पावर थ्री माइनस एक्स पावर माइनस टू प्लस फाइव। ठीक, तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास एक्स पावर थ्री है, यहाँ अपान में है, यहाँ पास एक्स पावर थ्री है, और यहाँ पास एक्स पावर निगेटिव है। यहाँ पास इस टर्म में एक्स पावर निगेटिव है, तो यही कहना चाह रहे हैं पॉलीनोमियल में एक्स पावर निगेटिव हो गई तो पॉलीनोमियल नहीं होगा, तो हम कह सकते हैं इट इज अ नॉट पॉलीनोमियल, यह पॉलीनोमियल नहीं है, क्योंकि बिकॉज द पावर ऑफ एक्स इज अ फ्रैक्शन वैल्यू। यहाँ पास एक्स की पावर जो है फ्रैक्शन वैल्यू है, ये चीज हमारी ऐसे आ लिखी है, ध्यान दीजिएगा, एक्स पावर वन अपॉन टू। ठीक, ये चीज स्पष्ट नहीं दिख रही थी, देखिए ध्यान दीजिए, एक्स क्यूब
प्लस एक्स पावर वन अपॉन टू प्लस फाइव इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स पावर माइनस टू प्लस फाइव। तो यहाँ पास फ्रैक्शन भी है, एक्स की पावर फ्रैक्शन हो रही है और यहाँ पास निगेटिव भी हो रही है, तो हम कह सकते हैं इट इज नॉट पॉलीनोमियल, यह पॉलीनोमियल नहीं है बिकॉज द पावर ऑफ एक्स इज अ फ्रैक्शन वैल्यू, इसकी जो पावर है वह फ्रैक्शन वैल्यू में है। देखिए एक आध एग्जाम्पल और देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर माइनस सेवन अपॉन टू प्लस एक्स और प्लस थ्री लिखा है। बहुत सारे एग्जाम्पल अपन लेकर देख सकते हैं, यहाँ पास कोई भी टर्म हो, जैसे कोई भी दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहाँ पास एक्स पावर हो जाएगा माइनस माइनस वन बाई टू हो जाए, प्लस एक्स पावर माइनस थ्री हो जाए, प्लस फोर हो जाए, ये भी हमारे टर्म होते हैं, ऐसे टर्म बढ़ाते चले जाएंगे, तो इट इज नॉट पॉलीनोमियल, यह पॉलीनोमियल नहीं है बिकॉज इट इज द फ्रैक्शन वैल्यू नेगेटिव पावर, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है नेगेटिव पावर में है तो यह पॉलीनोमियल नहीं होगा। यानी दो चीजें ध्यान देना है, अगर किसी भी फ्रैक्शन की वैल्यू जो है वह नेगेटिव नहीं हो और फ्रैक्शन वैल्यू नहीं हो तो वह पॉलीनोमियल होगा। ठीक बच्चों, ये समझ में आया आप लोगों को? देखिए आगे ध्यान दीजिए, अब इसके टाइप्स पढ़ेंगे। देखिए टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल या क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं, यहाँ पास देखिए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कह दें या पॉलीनोमियल कह दें एक ही चीज है। तो यहाँ पास देखिए ध्यान दीजिए, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल के थ्री टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? अभी हमने पॉलीनोमियल सीखा, यानी किसी भी अगर फ्रैक्शन की वैल्यू, किसी भी टर्म है, कोई भी इक्वेशन लिखा है, अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव और फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होगी तो हमारा क्या हो? पॉलीनोमियल। अब यही पॉलीनोमियल का टाइप सीख रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल, एक एक को सीखेंगे। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? लीनियर पॉलीनोमियल, क्वाड्रिक पॉलीनोमियल और क्यूबिक पॉलीनोमियल, यानी तीन पॉलीनोमियल हैं। कौन कौन से हैं एक बार और ध्यान दीजिए, लीनियर पॉलीनोमियल, दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल और तीसरा हमारा क्या है? क्यूबिक पॉलीनोमियल। ठीक, अब इनको एक एक को सीखेंगे, ध्यान दीजिएगा। जो पहला हमारा लीनियर पॉलीनोमियल है, फर्स्ट पहले किस में पहुंच गए हैं हम? लीनियर पॉलीनोमियल है, तो देखिए ध्यान दीजिए, ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड लीनियर पॉलीनोमियल, यानी किसी भी पॉलीनोमियल की अगर डिग्री वन होती है तो वह लीनियर पॉलीनोमियल होता है। क्या होता है? लीनियर पॉलीनोमियल होता है। एक बार और ध्यान दीजिएगा, लीनियर पॉली, थ्री टाइप्स पढ़ रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल यानी पॉलीनोमियल के टाइप्स पढ़ रहे हैं। पहला हमारा लीनियर पॉलीनोमियल है, दूसरा हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है और तीसरा क्यूबिक पॉलीनोमियल है। ठीक है, तो पहला जो हम पढ़ रहे हैं लीनियर पॉलीनोमियल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको नोट्स बनाते हुए और लिखते हुए चलें। तो लीनियर पॉलीनोमियल क्या होता है? ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री वन इज कॉल्ड लीनियर पॉलीनोमियल, या किसी भी पॉलीनोमियल की डिग्री क्या हो? वन हो तो उसे हम लीनियर पॉलीनोमियल कह सकते हैं, यानी कह सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये हमारा टर्म होता है, इसी फॉर्म में वैल्यू हो सकती है, ए एक्स प्लस माइनस बी कुछ भी हो सकता है यहाँ पास टर्म। ठीक, जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, ध्यान दीजिए और सारे एग्जाम्पल्स देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे लिखा है 4x प्लस 3 लिख दिया हमने, ये क्या है हमारा? पॉलीनोमियल है। 9x माइनस 7 लिख दिया, ये हमारा क्या है? पॉलीनोमियल है। 4x माइनस 7 ये हमारा पॉलीनोमियल है। कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, 3x प्लस 5 लिख दिए, ये सभी हमारी क्या है? पॉलीनोमियल के एग्जाम्पल हैं। यानी पॉलीनोमियल, लीनियर पॉलीनोमियल के एग्जाम्पल हैं। यानी कह सकते हैं ए पॉलीनोमियल, अगर किसी भी पॉलीनोमियल की डिग्री वन होगी तो वह हमारा लीनियर पॉलीनोमियल होगा। ठीक, अब आगे ध्यान दें, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पे ध्यान दीजिए। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है दो, जिसकी पावर क्या होना चाहिए? दो होना चाहिए, सबसे ही क्वाड्रेटिक का मतलब होता है टू, टू जिस पे हो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, ए पॉलीनोमियल ऑफ अ डिग्री 2
टू क्या कह रहा है, ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री टू इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। यानी हम कह सकते हैं यदि किसी भी पॉलीनोमियल की जो पावर डिग्री होती है वह टू होती है तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है। ध्यान दीजिए, यानी फर्स्ट एक हुआ, किसी की पावर एक हुई वह लीनियर पॉलीनोमियल होगा, और किसी भी पॉलीनोमियल की जो डिग्री होती है यानी पावर उसकी जो होती है टू होगी, वो हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा। इसको एग्जांपल देखिए, या प्ले एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो सकता है। क्या हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, इसमें बहुत सारे एग्जांपल जैसा आप चाहे बना सकते हैं, यहाँ पास वैल्यू रखते हुए चले जाएंगे। ए बी सी हमारी कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, ए बी सी यहाँ क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे हमारा इक्वेशन बनता हुआ चला जाएगा। यानी हम कह सकते हैं, जैसे देख लीजिए, या फिर एक्स इज इक्वल टू हम बना सकते हैं फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। ये हमारे क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो गया। ठीक, और सारे एग्जांपल जैसे हम देख सकते हैं, और एग्जांपल देख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस फाइव लिख दें, फोर लिख दें, कुछ भी लिख दें, ये सभी हमारी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के अंतर्गत आएंगे। ये हमारी ये टर्म इसी टर्म से बनता है, ये मेन चीजें हैं। ये चीज फ्रैक्शन ध्यान दीजिएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पास देखिए तीसरा जो हमारा है क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्या है तीसरा हमारा, क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्यूबिक का मतलब होता है क्यूब, शब्द से ही क्लियर है, यहाँ पास ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, शब्द से ही क्लियर है। क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल का मतलब होता है क्यूब। ए पॉलीनोमियल ऑफ अ डिग्री इज थ्री, क्या हो उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, थ्री होना चाहिए, इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलीनोमियल। यानी किसी अगर पॉलीनोमियल की जो डिग्री होगी वह थ्री होगी तो वह क्यूबिक पॉलीनोमियल होगा। एग्जांपल हम सीख सकते हैं, देख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब, यहाँ पास क्यूब की बात कर दिया है, प्लस क्या लिख देंगे, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस हो जाएगा हमारा डी। इसी टर्म पर है ए बी सी डी, ये हमारी क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, यहाँ पास रखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पास एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होगा। तो यहाँ पास ये चीज ध्यान रखना है, ये हमारा एक समीकरण है, इस समीकरण पे ही वैल्यू रखना है तो हमारा क्यूबिक पॉलीनोमियल प्राप्त होता चला जाएगा। ए बी सी डी हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है। यहाँ पास कोई भी टर्म रख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस प्लस सिक्स एक्स प्लस हो जाएगा नाइन, ये हमारी क्या हो जाएगा, क्यूब है। यहाँ पास 4x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस हमारा क्या हो गया, 9 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, क्यूबिक पॉलीनोमियल हो गया। यानी हम कह सकते हैं अगर किसी भी पॉलीनोमियल की डिग्री 1 होगी तो वह लीनियर पॉलीनोमियल होगा, अगर डिग्री उसकी 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा, और उसकी डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक पॉलीनोमियल होगा। ठीक, चलिए आगे ध्यान दीजिए, इसी एक्सरसाइज में जीरोस फाइंड करना है। जीरोस क्या होता है समझने की जरूरत है, इसमें जीरो सीखना है। तो देखिए जीरोस, ए वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज पुटिंग द पॉलीनोमियल, क्या कह रहा है, ए वैल्यू ऑफ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल यानी कोई भी वैल्यू हम लेकर यदि पुट पॉलीनोमियल किसी पुट करते हैं पॉलीनोमियल पे तो द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल इज जीरो। यानी यदि किसी वैल्यू को लेकर किसी पॉलीनोमियल पर पुट करते हैं उसकी वैल्यू जीरो प्राप्त हो जाती है तो द वैल्यू ऑफ जीरो इज कॉल्ड जीरोस, क्या कहलाता है, वही वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, जीरोस कहलाती है। देखिए ध्यान दीजिए, एक बार और सीखना है, ए वैल्यू ऑफ द वेरिएबल यानी किसी भी वेरिएबल वैल्यू 1 2 3 4 माइनस कुछ भी ले ले, वेरिएबल का मतलब सारी चीजें हैं उस पे, जीरो है, माइनस नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, वेरिएबल है, तो यही चीज कह रहा है जीरो। जीरो सीखना, ए वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, क्या कह रहा है, ए वैल्यू ऑफ वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की इज पुटिंग द पॉलीनोमियल, कोई भी वेरिएबल हम लेकर किसी पॉलीनोमियल पर पुट करते हैं तो देन द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल इज जीरो। यानी उस पॉलीनोमियल की जो वैल्यू आती है वह जीरो आ जाए, हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड जीरो, वह हमारी क्या कहलाया जाएगा, जीरोस कहलाया जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, हम कुछ एक
पॉलीनोमियल यानी इक्वेशन लेकर चलते हैं और यहाँ पास इस पे वैल्यू पुट करते हैं। देखिए f x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 4 लिखा हुआ है। अब यहाँ पास क्या करेंगे, इफ x इज इक्वल टू अगर हम 2 ले लेते हैं तो यहाँ पास x हमने क्या ले लिया, 2। यही चीज कह रहा है कि अगर कोई भी वेरिएबल लेकर किसी भी पॉलीनोमियल पे पुट करेंगे और यदि वह वैल्यू 0 आ जाती है तो वही वैल्यूज क्या होती है, जीरोस कहलाती है। ठीक है, स्पष्ट है। तो देखिए ध्यान दीजिए, एफ एक्स फ्रैक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 लिखा हुआ है। इफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, सॉरी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ 2 ले रहे हैं तो वैल्यू 0 आनी चाहिए। यहाँ पास एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4, एक्स की वैल्यू 2 है तो 2 और प्लस 4 है तो 4 है। देखिए ध्यान दीजिए, अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पास ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ पास का 4 2 जा 8 हो जाएगा और प्लस 4, ये प्लस प्लस 8 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 और ए माइनस 8, ये हमारा कैंसिल हो गया यानी हमारा 0 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पास हमने कुछ नहीं किया, एक्स की वैल्यू पुट कर दिया है, एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4x यानी 4 2 और प्लस 4 तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8 प्लस 4 तो यहाँ 4 और 4 8 हो गए तो 8 और माइनस 8 है तो यहाँ पास क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 इज अ जीरोस अ द पॉलीनोमियल, ये हमारा क्या हो गया, x इज इक्वल टू इज द जीरोस अ पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल का जीरोस हो गया। अब देखिए कुछ नोट पर ध्यान देना है, इस नोट को लर्न करने की आवश्यकता है, यानी x की वैल्यू आ गई 0 हो गई तो वही हमारा जीरोस हो गया, यही कह ही रहा है। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए, नोट कुछ नोट पर ध्यान देंगे, पहला नोट हमारा क्या है, आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़िए पहला नोट, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास लिखा हुआ है पहला, ये जो स्टार बने हुए हैं इनको रीड करिए, यहाँ नीचे तक ध्यान दीजिए, देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है, पहला जो पहली चीज जो कह रहा है पहले स्टार पे, 1 0s are linear polynomial, यानी किसी भी अगर polynomial का 1 0s है तो वह हमारा linear polynomial होगा। ठीक, दूसरा क्या कहना चाह रहा है, दूसरा जो हमारा कहना चाह रहा है, दूसरा 2 0s are the quadratic polynomial, यानी 2 0s अगर होगा तो वह हमारा quadratic polynomial के अंतर्गत आएगा। ठीक, देखिए 1 0s are the linear polynomial, पहला 0s क्या होगा, 1 0s क्या होगा, लीनियर पॉलीनोमियल होगा। दूसरा 2 0s आर द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, दूसरा 0 क्या होगा, 2 0s आर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो जाएगा। और तीसरा 3 0s आर द क्यूबिक पॉलीनोमियल, तीसरा अगर 3 0s प्राप्त हो रहे किसी पॉलीनोमियल के तो क्यूबिक पॉलीनोमियल होगा, यानी 1 0s आर द लीनियर पॉलीनोमियल, 2 0s अगर किसी भी इक्वेशन के हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा, 3 0s अगर किसी के हैं तो क्यूबिक पॉलीनोमियल होगा, जैसे 10 0s है किसी का, 10 0s आर द 10 पावर ऑफ द पॉलीनोमियल, 10 पावर पॉलीनोमियल होगा, 10 हो 5 हो 6 हो कुछ भी हम कर सकते हैं। ठीक, अब एक्सरसाइज सीखेंगे हम लोग, देखिए अब एक्सरसाइज पर आइए। ठीक, अब एक्सरसाइज 2.1 पे बात करेंगे। ठीक, एक्सरसाइज 2.1, ठीक, देखिए 2.1 क्या कह रहा है, पहला हमारा कह रहा है ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर द गिवन फॉर सम पॉलीनोमियल px फाइंड द जीरोस ऑफ px। यहां पास आपको क्या है, ग्राफ दिया गया है, क्या दिया गया है, ग्राफ दिया गया है, पहले ग्राफ बनाते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट नंबर ये ग्राफ हमारा बनाया जाएगा। देखिए ये ग्राफ है, इस ग्राफ का जीरोज निकालने की बात कर रहा है, क्या कह रहा है, आपको ग्राफ दिया है, इस ग्राफ में जीरोज निकालने की बात कर रहा है। देखिए ये हमारा क्या होता है, इधर x होता है, सॉरी x, इधर x डैश होता है,
इधर वाई होता है और इधर हमारा क्या होता है वाई डैश होता है। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पास जो हमारा वो बना है ये तो हमारा जीरो होता है और ये चीज दी गई बस हो गया। यहाँ पास ये इस टर्म पे जीरोज निकालना है, ये जो हमारी लाइन दिख रही है इसके जीरोज निकालने की बात कर रहा है। तो यहाँ पास जीरो, ये पहला ग्राफ है हमारा 2.1 एक्सरसाइज का, इस ग्राफ में जीरोज फाइंड करना है और फिर आगे ऐसे इक्वेशन में भी फाइंड करना है। अभी ये ग्राफ की बात कर रहा है, इस ग्राफ में बात करेंगे तो ये x होता है, x होता है और ये हमारा x डैश होता है, ये y होता है, y डैश होता है। अब ये जो हमारा इक्वेशन यहाँ पास रिप्रेजेंट, ये जो लाइन इस ग्राफ पर रिप्रेजेंट हो रही है इसकी जीरोज निकालना है। तो यहाँ पास देखेंगे इस पे क्या होगा जीरोज, यहाँ पास क्या हो जाएगा जीरोज इक्वल टू जीरो, यहाँ पास जीरो हो रहा है। क्यों हो रहा है इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है। तो क्या होगा, लाइन डज नॉट एग्जिस्ट इन द एक्स एग्जिस्ट, यानी ये जो लाइन हमारी है एक्स टर्म पे डिनोट नहीं कर रही, एक्स के किसी भी लाइन पे नहीं काट रही है। तो यहाँ पास जीरोज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जो लाइन हमारी है जिस लाइन की जीरोज फाइंड करने की बात कर रहा है वो हमारी क्या होना चाहिए, जीरो क्यों हुआ, क्योंकि ये एक्स लाइन पर कहीं भी टच ही नहीं कर रहा। यह लाइन जितनी बार एक्स लाइन पर टच करेगा उतनी ही जीरोज होगा उस ग्राफ का। ध्यान रखना है ये जो एक्स और एक्स डैश की लाइन है उसको जितनी बार टच करेगा, जो किसी भी लाइन के जैसे दूसरे क्वेश्चन पर अभी दिखाते हैं, इतनी बार टच करेगा वह उसका क्या हो जाएगा हमारा, उतने बार उसके जीरोज होंगे। जैसे दूसरा ग्राफ इस पे देखिए, ध्यान दीजिए जो दूसरा हमारा है, इसी दूसरा ग्राफ क्या कह रहा है, इसी में दूसरा जो ग्राफ हमारा बना हुआ है वो इस तरह बना हुआ है। देखिए ध्यान दीजिए, इस तरह हमारा ग्राफ दूसरा ग्राफ बना हुआ है, इसी का दूसरे का सेकंड नंबर है। तो यहाँ पास इस तरह कुछ ग्राफ हमारा बना हुआ है,